एक मीडियाटेक का एक यूनिवर्सल बूट सुकेंस, आप ये इसको कह सकते हैं, ये एक लॉजिक एनालाइजर से लिया गया बूट सुकेंस है। एक और 5G हैंडसेट लेकर आया हूँ और जो कि डैड है, हम इसको फाइंड आउट करेंगे। ये है रियलमी 8 5G मॉडल और पैडो की लाइन है सुकेंस। फिर उसके बाद में हम फॉलो कर सकते हैं अगला कि क्या है इस सेट के अंदर। शॉर्टिंग तो बिल्कुल नहीं है, और शॉर्टिंग होती तो ये तो कोई भी शॉर्ट किलर देकर या एक हाई एम्पियर देकर बना लेता, जो कि आपका हायर LDO है। टू मैं इसको कट करूँगा। रीज़न ये है कि मैंने बॉलों के ऊपर बॉल बनाई, एक एक बॉल बिल्कुल परफेक्ट शेप में है। सो हाय दोस्तों, कैसे आप सभी लोग, मैं देवेंद्र अग्रवाल। आज मैं आपके लिए एक और 5G हैंडसेट लेकर आया हूँ और जो कि डैड है, हम इसको फाइंड आउट करेंगे। ये है रियलमी 8 5G मॉडल और इसका भी कोई बिट मैप नहीं है, इनके कोई स्कीमेटिक डायग्राम नहीं होते और सिर्फ हार्डवेयर सोल्यूशन होते हैं, और हार्डवेयर सोल्यूशन पे भी इन पे कुछ ज़्यादा पता नहीं चलता है, क्योंकि ये हार्डवेयर सोल्यूशन पे केवल वही चीज़ देते हैं जो नॉर्मली दुनिया में हर एक तीसरे आदमी को पता है। एक इनकी BPH और एक बक और कुछ LDO, बस इसके अलावा ये बूट सुकेंस के हिसाब से कोई सोल्यूशन देते नहीं है। सो आज ये वीडियो काफ़ी स्पेशल होने वाला है यूट्यूब की हिस्ट्री में भी, क्योंकि मैं इस फ़ोन को अभी रिपेयर करने वाला हूँ। अब रिपेयर होगा या नहीं होगा ये बात की बात है, पर एक सोल्यूशंस हो सकता है आपको मिल जाए और इसको हम फाइंड आउट करेंगे। अब इसमें पावर AC का प्रॉब्लम है या इसमें CPU का प्रॉब्लम है या इसमें इसके लगे हुए MMC या UFS का प्रॉब्लम है, तो ये प्रॉब्लम फाइंड करने के लिए को ही फॉल्ट फाइंडिंग कहते हैं। तो ये प्रॉब्लम फाइंड करने को ही फॉल्ट फाइंडिंग कहते हैं। तो ये फॉल्ट फाइंडिंग कैसे करें, आइए देखें। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप इस तरह के सेटअप में जूझ रहे हैं या आपको रिपेयरिंग नहीं आती या आप सीखना चाहते हैं, आप डिस्प्ले कनेक्टर या इस लेवल पे काम कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि ऐसा इंस्टीट्यूट जहाँ मुझे रहना भी मिल जाए, जहाँ मुझे खाना भी मिल जाए, मुझे कोई पैसा एक्स्ट्रा देने की ज़रूरत ना हो, जहाँ मुझे बैकअप सपोर्ट अच्छा मिल जाए और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा घंटे पढ़ाएं, प्लस थ्योरी कम पढ़ाएं प्रैक्टिकल ज़्यादा पढ़ाएं, या जहाँ मुझे मुझसे काम करवाएं प्रैक्टिकली और फ़ोन भी रिपेयर हो, प्लस वहाँ पर कंसेप्ट क्लियर हो रिपेयरिंग का, ताकि मैं आगे जाकर ये सारे फ़ोन सेट बना सकूं और नए 5G के अपडेट भी आगे जाके मिलें और एक अपडेटेड टीचरों के साथ पढ़ें, तो भाई आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं इसे टेलीकॉम। मैं कोई सस्ता इंस्टीट्यूट तो नहीं हूँ, बड़े क्वालिटी लेवल का ज़रूर हूँ, क्योंकि जो भी मेरे पास आएगा उसको टेक्नीशियन या टीचर बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। आइए चलिए हम देखते हैं। ये फ़ोन की कंडीशन आप देख सकते हो, ये आपके सामने यहाँ पर है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये कोई भी एम्पियर नहीं ले रहा है, और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ वोल्टेज की, तो सबसे पहले मैं इसको डायग्नोज दिखाऊँगा, ठीक है। तो नोटिस कीजिएगा, मैं इसको थोड़ा सा चेंज बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। तो देखिए, जैसे मैं केबल यहाँ लगाता हूँ, दिखाइए यहाँ पर, जैसे मैं केबल यहाँ लगाता हूँ, दिखाइए, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि वहाँ पर आपको कोई भी एम्पियर दिखाई, देखिए कोई भी एम्पियर दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर वापस मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि केबल लगाने से कोई एम्पियर तो दिखाई नहीं दे रहा है और 0 0 है। तो ये प्रॉब्लम एक चार्जिंग का भी हो सकता है, बट क्योंकि ये फ़ोन तो कोई लोगों पे भी नहीं आ रहा है किसी प्रकार की, और आप देख सकते हो केबल लगाने पर तो कोई हरकत भी नहीं हो रही है इसके अंदर। तो सबसे पहले हम इसको आई डायग्नोस करेंगे PCB को, क्योंकि सबसे पहला स्टेप ये होता है आई डायग्नोस। तो आइए यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर आपको क्या आई डायग्नोस देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले आप देखो, तो आपको यहाँ पर है ना पावर का पत्रा खुला हुआ है, मतलब यहाँ पर पावर पे काम हुआ हो सकता है। नेटवर्क का जो पत्रा है, जो सील्ड है, वो बंद है, इसका मतलब इस पर काम नहीं हुआ है। एक आपकी चार्जिंग सेक्शन है यहाँ पर, आपका BQ और एक आपका सब पावर यहाँ पर लगा हुआ है, इसका भी पत्रा खुला हुआ है। ये आपकी सारे MOSFET हैं और यहाँ पर आपकी प्रोटेक्शन और ये शंट रजिस्टर यहाँ पर लगा हुआ है। प्लस यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पर आपका CPU MMC या UFS लगा हुआ है, जो कि इसका भी आप देख रहे हैं तो कोई काम नहीं हुआ है। तो बेसिकली यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। सो हम क्या करने वाले हैं, सो मैं आपको सबसे पहले बता दूं। देखो यार, बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न ये रहता है कि पावर IC में क्या चेक करें कि पावर IC सही हो, क्योंकि अगर
आप ये सोच के कि नहीं ये सेट, क्योंकि ये सेट किसी तरह का पोर्ट भी नहीं बना रहा है, और अभी मैंने चेक नहीं किया है हालांकि आपके सामने, बट मैं आपको बता रहा हूँ ये सेट किसी तरह का पोर्ट नहीं बना रहा है और ये बूटिंग भी कोई नहीं ले रहा है। सो पहले हमें ये समझना है कि क्या हमारा CPU ओके है या हमारा MMC या UFS या हमारा पावर। सो पावर शुरुआत पावर से ही होती है और MediaTek के अंदर सबसे पहले शुरुआत क्रिस्टल से होती है, तो क्रिस्टल से होते हुए पावर पे, बट कुछ ऐसे MediaTek के यहाँ पे बूट सिक्वेंस है जो आज आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ, और MediaTek का एक यूनिवर्सल बूट सिक्वेंस आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ, तो आप सब लोग उसका स्क्रीनशॉट लेके उस पर काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, मैं जो मेरा फर्स्ट चेकिंग होने वाला है वो होने वाला है चार्जर लगा के। मुझे सबसे पहले मैं बैटरी पर यहाँ पर वोल्टेज चेक करूँगा कि मुझे यहाँ पर कोई वोल्टेज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है करके, और दूसरा यहाँ पर मैं चेक करूँगा कि मुझे BPH मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये मेरे BPH के लाइन है। उसके बाद मैं यहाँ पर कहीं ना कहीं तकरीबन कैपेसिटर पर मुझे दो वोल्टेज चेक करना है। ये दो वोल्टेज मेरे रहने वाले हैं, एक 1.8 जो कि वो ऑक्सिलरी वोल्टेज हैं, और एक VRTC जो कि मेरा 2.8 वोल्टेज रहने वाला है। तो ये दो वोल्टेज मैं चेक करूँगा, अगर मुझे ये दो वोल्टेज मिलते हैं भले ही मुझे बक नहीं मिले तो मैं पावर पे काम नहीं करूँगा, फिर मैं CPU IC पे काम करूँगा। मुझे CPU को ही रिवॉल्व करना पड़ेगा, उसके लिए मैं CPU और क्योंकि दोनों पेस्टेड हैं तो मैं दोनों को ही निकालूंगा, क्योंकि इसमें ईजिली जाएगा, क्योंकि इसमें CPU डालने के बाद पता नहीं चलेगा कि भाई मेरा बग कहीं ऐसा तो नहीं है कि MMC या UFS की वजह से कहीं से दब रहा है या वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं, ये तो क्लीन चिट हो जाएगा, एक ही बार में मेरा काम हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं आइए दो वोल्टेज होते हैं वी ऑक्सिलरी और VRTC, बट मैं आपके साथ में एक सबसे पहले MediaTek का एक बूट सुकियन शेयर करना चाहता हूँ। तो चलो अब हम यहाँ पे वोल्टेज चेक करेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर चार्जर पर लगा लेते हैं सेट को। चार्जर में लगाने के बाद सबसे पहले हम यहाँ पर BBAT के वोल्टेज चेक करेंगे, ठीक है। आप ये मेरा मल्टीमीटर देख रहे होंगे, सरलॉक क्लियर। अब यहाँ पे हम BBAT पर देखेंगे। सो आप देखो कि BBAT पे वोल्टेज बन रहा है हमारे, तो इसका मतलब हमारी चार्जिंग IC ओके है। अब हम अपना यहाँ पर इस MediaTek की IC के इन कैपेसिटर में देखेंगे जो कि BPH या सिस्टम बनाता है, यहाँ पर सिस्टम के वोल्टेज देखेंगे। तो आप देखो तो सिस्टम के वोल्टेज भी आ रहे हैं और एक्यूरेट हैं 4.3, ठीक है। तो अब इसके बाद हम वोल्टेज चेक करेंगे हमारे बेसिकली 1.8 2.8 जो हमें दो वोल्टेज हमें ढूंढने हैं, ये वोल्टेज हम ढूंढेंगे कि ये वोल्टेज हमारे कहाँ आ रहे हैं। तो नोटिस करो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम अपने इस कैपेसिटर के आसपास हम दो वोल्टेज देखेंगे 1.8 और 2.8। सो अगर बग वोल्टेज की भी बात करें तो आप देखो बग वोल्टेज की बात करें तो मैं बग वोल्टेज को आपको दिखाना चाहूँगा, ठीक है। बग वोल्टेज की अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो यह एक हाई LDO का वाला बग है। यहाँ पर मेरे को देखिए आप, ये वोल्टेज दो वोल्टेज बनने चाहिए, यहाँ पे वोल्टेज नहीं बन रहे हैं। यहाँ पे भी आप वोल्टेज देखेंगे तो ये एक मिली वोल्टेज बन रहा है जो कि मेरा वोल्टेज नहीं बन रहा है। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो ये वोल्टेज मेरा नहीं बन रहा है। अब मैं यहाँ पर वोल्टेज चेक करूँगा, ठीक है, और मैं यहाँ पे देखूँगा कि मेरे को यहाँ पर कोई वोल्टेज बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो आप देखिए, बट अगर मेरा चार वोल्टेज की बात करेंगे तो चार वोल्टेज बन रहा है, बट मेरा ये जो 1.8 वोल्टेज है ये मुझे चेक करना है कि ये वोल्टेज मेरा बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर मैं 1.8 वोल्टेज की बात करूँ तो आप देखो, मैं यहाँ पर टच करके दिखाता हूँ, यहाँ पे भी कोई वोल्टेज नहीं है, इस कैपेसिटर में भी कोई वोल्टेज नहीं है, क्योंकि मेरे को एक एक्सपीरियंस के हिसाब से यहाँ पर ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि इसका कोई भी बिटमैप नहीं है, कोई डायग्राम नहीं है, ठीक है। यहाँ पर भी आप देखो तो कोई वोल्टेज नहीं है, यहाँ पर भी देखो कोई वोल्टेज नहीं है, और यहाँ पर भी देखो तो कोई वोल्टेज नहीं है। इवन हम इसके नीचे भी चेक कर लेते हैं तो हमें कोई वोल्टेज नहीं मिल रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि जो एक्चुअल में सबसे पहले जो वोल्टेज हमें चेक करना है वो बूट सिक्वेंस के हिसाब से कौन सा चेक करना है। तो मैं आपके लिए MediaTek का बूट सिक्वेंस लेकर आया हूँ। तो आप देखो बेसिकली यहाँ पर मेरा जो वोल्टेज है मैं आपको दिखाना चाहूँगा,
ये जो है एक MediaTek का एक यूनिवर्सल बूट सुकेंस, आप ये इसको कह सकते हैं, ये एक लॉजिक एनालाइजर से लिया गया बूट सुकेंस है, जिसके अंदर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कौन सा लाइन सबसे पहले ओपन ऑन हो रहा है, मतलब ये लॉजिक लो और ये लॉजिक हाई। सो इस तरीके से ये बूट सुकेंस को यहाँ पे दिखाया गया है, और ये आप भी बना सकते हैं अपना लॉजिक एनालाइजर से बहुत सारे जंपर लेकर। सो आप देखो, अभी मैं आपको इसको पूरा, तो क्लास में आप आएंगे तो इस बूट सुकेंस से एडवांस में आपको बहुत सारी चीज़ सिखाऊंगा, बट अभी फ़िलहाल मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ये भी यूट्यूब में आप देखें तो अभी तक किसी ने एक्सप्लेन नहीं किया है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखें तो बी बैट आपको देखने को मिलेगा, फिर आप देखें तो पावर की का वोल्टेज हमने चेक नहीं किया, पावर की आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, और फिर आप देखो तो यहाँ पर VRTC, और फिर आप देखो तो VS1 जो कि आपका हायर LDO है 2.0। तो ये जो VS1 के बाद VA18, फिर आपके ये बक के वोल्टेज हैं वी मॉडम वी कोर, और ये VS2 हो गया, ये आपका हो गया लोअर LDO जो कि MediaTek के अंदर 1.4 तक रहता है, फिर VIO, फिर बीबस, एक बीबस 1.0 और एक उसके बाद में आपको उसके बाद नीचे भी मिलेगा एक बीबस 3.0, बट वो बहुत एंड में मिलेगा। सो ये बेसिकली आपके एक सिनारियो है, एक आपका बूट सिक्वेंस है, जिसमें बेसिकली आपको ये चेक करना है कि क्या मेरा VRTC बन रहा है कि नहीं बन रहा, क्योंकि MediaTek अगर ये वोल्टेज नहीं बना रहा तो कोई भी बक प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो हमें देखना है कि हमारा VRTC तो बन नहीं रहा है, तो हम फिलहाल क्या करते हैं, हम पहले पावर को हमेशा, जैसे हम स्टूडेंट बोलते हैं कि पहले तो पावर IC को रिवॉल्व करके देख लो, फिर नहीं होता है तो चेंज करके देख लो, फिर नहीं तो फिर उसके GR चेक करो, पैडों की लाइन है सिक्वेंस, फिर उसके बाद में हम फॉलो कर सकते हैं अगला कि क्या है। इस सेट के अंदर शॉर्टिंग तो बिल्कुल नहीं है, और शॉर्टिंग होती तो ये तो कोई भी शॉर्ट किलर देकर या एक हाई एम्पियर देकर बना लेता, में शॉर्टिंग ही नहीं है उस सेट में। अपन को कैसे बनाए, मेनली ये वीडियो आपको इसके लिए है। सो आइए, तो मैं करता हूँ, मैं इसकी पावर AC को निकाल के एक बार रिवॉल्व करके लगाता हूँ और देखता हूँ कि मेरा VRTC बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है, अब आ जाना ना साइड से, आ रहा है ना, क्यों तो देखो, हमने पावर AC निकाल लिए, अब ये पहले से रिबॉल है, और आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका सही से रिबॉल करके नहीं लगाइए, कुछ पैड आप देखो, एक पैड यहाँ पर मिसिंग है। ठीक है, तो कोई नहीं, तो हमेशा इसी को एक परफेक्ट वे में निकाल के लगाते हैं, और नहीं तो हम इस IC को चेंज ही कर देंगे। जनरली MediaTek के अंदर पावर कम ख़राब होती हैं, जनरली MediaTek के अंदर पावर का इशू भी होता है। देखो, तो बोर्ड में किसी भी चीज़ का इशू हो सकता है। अब ये वहाँ से दिखा दो, सामने TV पर मैं भी दिखूँ, पीछे खड़े हो जाओ टेबल के। तो जिन सेट पे ऑलरेडी काम हुआ है उन सेट पर लोग
एक्सपेरिमेंट करके और काम ख़राब कर देते हैं, क्योंकि वो सीख बिना सीखे काम करते हैं, या तो सस्ते क्लास वाले क्योंकि उनकी प्रैक्टिस सही नहीं होती, उनका नॉलेज भी सही नहीं है। लो क्वालिटी के नॉलेज लेके आप अगर आप काम करोगे तो आपका काम तो बैठेगा ही, प्लस यहाँ से आपने फ्रेशर को बैकअप सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। भले ही एक साल डेढ़ साल बाद आप अच्छा काम कर रहे हैं और अब आप इंस्टीट्यूट खोलना चाहते हैं, तो एक बनता भी है कि चलो कोई इंस्टीट्यूट, क्योंकि उसने एटलीस्ट उसको इस काबिल तो बना दिया कि वो अपना इंस्टीट्यूट लेवल पे आ गया है। पर एक फ्रेशर जो शुरुआत करता है उसके लिए बहुत ज़रूरी है ठीक है। अब हम आईसी को रिवॉल्व कर लेते हैं। तो हम आईसी को क्लीन नहीं करेंगे जैसे ज़्यादातर लोग करते हैं कि उनके बॉल को क्लीन कर दिया सरफेस, फिर वो सरफेस ख़त्म कर देते हैं। हम आईसी को डायरेक्ट रिवॉल्व करेंगे। देखिएगा, हाँ यहीं पे देखा, यहीं पे देखा हूँ। ये हमारा पहले का पेस्ट है जो हमने यूज़ किया था इससे पहले, एक जब हम फ़ोन बना रहे थे, एक आईफोन था, तो जनरली पेस्ट एक दो बार भी यूज़ हो ही जाता है, कोई सीन नहीं है। तो मेरी आईसी रिबॉल हो गई है, देखिए यहाँ पर। थोड़ा सा मैं इसको कट करूँगा, रीज़न ये है कि मैंने बॉलों के ऊपर बॉल बनाई है। जो भी एक भी बड़ा बॉल बनेगा तो वो वहीं पे सही हो जाएगा। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जाएं, अगर आपका जो जो भी हार्डवेयर टीचर है जो स्कीमेटिक लेवल का है, उसको प्रैक्टिकल काम बहुत आना ज़रूरी है। क्योंकि अगर वो प्रैक्टिकल काम नहीं करता और सिर्फ थ्योरी थ्योरी पर ज्ञान दे रहा है, तो वो क्या ही अपने प्रैक्टिकल को खुद चेक कर रहा होगा कि सही है कि नहीं है। क्योंकि गूगल की कही हुई बातें हैं, फिर तो वही वाली बात है, मैंने ये बता दिया, ये लाइन इधर जाती है, अब वो लाइन उधर जा रही है, ये मैंने भी नहीं सर्च किया, क्योंकि वो प्रैक्टिकल काम ही नहीं करता ना। बट ऐसे टेलीकॉम का हर एक टीचर, इवन सॉफ्टवेयर वाले हमारे दुर्गेश सर भी डुअल डेकर बनाते हैं, बढ़िया परफेक्ट काम करते हैं। तो हर लेवल पर हम काम कर रहे हैं। दिखाइए आईसी को, देखिए आईसी हमारी रिवॉल्व हो गई है। और मेरे को एक ब्रश लेना है, मेरा ब्रश ख़राब हो चुका है, तो बस ये समझ लो कि एक ब्रश मैं अभी एक परचेज़ करूँगा, तो ब्रश नहीं है बिल्कुल भी। तो ये जितने भी ब्रश हैं सारे ब्रश ख़राब हो गए हैं, यहाँ दिखाइए। तो ये मेरी पावर आईसी है, रियलमी 8 5G, ठीक है। देखिए साहब, उधर देखाइए, एक एक बॉल बिल्कुल परफेक्ट शेप में है, कोई बॉल कम ज़्यादा नहीं है। यही रीज़न होता है कि एक आध बॉल भी अगर, तो देखो हमारी आईसी रिबॉल हो गई है, ठीक है, ये आईसी है। अब हम हमारे बोर्ड का आईसी लगाते हैं, तो यहाँ से दिखा दीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे,
थोड़ा सा पेस्ट लेके सरफेस लेयर पे लगा देंगे ये करके। अब ये हमारी आईसी है, ठीक है। देखो आईसी हिल गई, चलो अब हमारी आईसी लग गई है। अब हम थोड़ा सा ठंडा करेंगे बोर्ड को। तो ये थोड़ा क्लीन काम है, मतलब आप देखें कि बस थोड़ा सा अगर आपको नॉलेज है तो आप अपने काम को जल्दी कर लेंगे। आपको नॉलेज है तो आप अपने काम में वही 2 घंटा, क्योंकि अगर आपको नॉलेज नहीं होगा तो आप अभी तक इसका सीपीयू भी निकाल चुके होते हैं। देखो आईसी निकालना, लगाना, रिवॉल्व करना मैं मानता हूँ आपको आता होगा जो आप देख रहे होंगे, नहीं आता तो सीखे, और आता है तो फिर अब फ़ोन बनाना भी सीख लीजिए। अब हम बोर्ड में लगाएंगे, आज एशिया टेलीकॉम का क्रिकेट मैच है, हार्डवेयर के बिल्कुल एंडिंग पे हम एक क्रिकेट मैच रखते अपने प्लेयर अपने क्लास के साथ, बट हम उसको लाइव नहीं करते, हम अपने एंजॉयमेंट के लिए खेलते हैं। और ये तब जब हम पूरी तो आज क्रिकेट खेलने में मजा आया, कल पढ़ने में आएगा। एशिया टेलीकॉम से लाइव बन रही है कि नहीं बन रही है? तो भाई मैं ये कहूंगा कि लाइव बनाना है तो एशिया टेलीकॉम आना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ खेल भी है और खेला भी है। हेलो इंडिया का नंबर वन स्टूड, इंडिया का नंबर वन स्टूड, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। क्लास दे देते हैं, ठीक है। तो हम पहले चेक कर रहे हैं, तो एम्पियर तो बना है आप देख सकते हो यहाँ पर 0.60, ठीक है। देखो दोस्तों लोगो भी आ गया मेरा, ये देखिए, मतलब मेरा फ़ोन ऑन हो गया है, पर मेरी बैटरी लो होने की वजह से ये मेरा सिंबल ऐसा आ रहा होगा जैसे कि आप देख सकते हैं। और भी कोई एक दो कारण हो सकते हैं, जैसे कोई सेंस की लाइन इसमें ओपन हो सकती है या किसी भी प्रकार का एक फॉल्ट इसमें हो सकता है। या तो अभी तो फ़िलहाल मैं यही कोशिश करूँगा कि मेरा जो बैटरी है वो एक बार फिर से अच्छे से लगा लेता हूँ। तो फ़ोन तो मेरा चालू हो गया है, एक रियलमी का मेरा 8 5G मॉडल, और देखिए सेम लोगों के साथ चालू हो गया है। तो अब हमें इस लोगों के बाद अब इसको हम आगे बढ़ाएंगे, और एटलीस्ट हमारा फ़ोन चालू हो गया है, मतलब किसी पर्सन ने इसको डेड कर दिया था, और रीज़न तो आप समझते हैं आजकल के लोग फ्लैशिंग के टाइम पे डेड कर देते हैं या फिर अनलॉकिंग के टाइम पे डेड कर देते हैं, और भी कई रीज़न होते हैं, डिस्प्ले बदलते समय डेड हो जाता है, सब बोर्ड बदलते समय डेड हो जाता है। पर अभी हमने बिल्कुल सही कंडीशन पे इसको चेक किया है, अभी हो सकता है कि बैटरी लो इस वजह से ये एरर आ रहा हो, और हो सकता है कि जो पावर आईसी जो हमने रिवॉल्व की है हम अगर उसको चेंज करेंगे तो ये हमारा एरर भी ठीक हो सकता है, क्योंकि ये किसी सेंस लाइन की वजह से भी हो सकता है। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, फिलहाल तो हम आपको एक वोल्टेज दिखाना चाहते हैं कि जो 1.8 वोल्टेज की मैं बात कर रहा था। देखिए तो पहले क्या हो रहा था, पहले ये हो रहा था कि वी बैट वो बीपीएच बन रहा था, पर अब अगर हम वोल्टेज चेक करें
तो देखिए बी बैट, बी बैट वोल्टेज यहाँ पे देख, हाँ नोटिस कीजिए, ठीक है देखिएगा। तो बी बैट आपका अगर हम देखेंगे तो देखिए बी बैट आपका बन रहा है, ठीक है। बी पी एच देखेंगे, देखिए बी पी एच भी आपका बन रहा है। अब ये हाई एल डी ओ देखेंगे, सो देखिए हाई एल डी ओ बनने लगा, ये आपका लोअर एल डी ओ होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है, और ये आपके बक होने चाहिए। और यहाँ पर आपका वोल्टेज बनना चाहिए 1.8 और 2.8 वोल्टेज भी हमें मिल जाएगा जो कि वीआरटीसी होने वाला है। ये देखिए ये 2.8 वोल्टेज हमें मिल गया जो कि वीआरटीसी होने वाला है। तो इस तरीके से हमने अपने फ़ोन को ऑन किया है एक सही नॉलेज के साथ, सही प्रैक्टिकल ज्ञान के साथ। दोस्तों मैं वो थ्योरी वाला टीचर नहीं हूँ जो पीपीटी लेके आपको ये बता दूँ कि हाँ ये आ गया, ये आ गया, अब ये कर लेना, वो कर लेना। मैं बेसिकली वो टीचर हूँ जो प्रैक्टिकल भी करता हूँ और स्टूडेंट को सामने डन करता हूँ, क्योंकि थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल आना ज़रूरी है। अब ये रही बात लोगों की, तो इसका वीडियो हम सेकंड अपने वीडियो में बनाएंगे। पहले तो हमारा इस फ़ोन को लोगों पे ले आना ही हमारे लिए सबसे एक मेन उपलब्धि है कि हमने इस फ़ोन को ऑन कर दिया। और मुझे लग रहा है कि एक लो बैटरी है, और अगर मैं बैटरी को ऑन करूं या बैटरी को थोड़ा बूस्ट करूं तो भी हो जाएगा, बट नहीं भी होता है तो मैं इसके लिए नया वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आए और आपने बूट सुख के इसमें थोड़ा बहुत सीखा हो मुझसे, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और इस फ़ोन के ऑन होने की टेंशन बिल्कुल मत लेना, क्योंकि ये फ़ोन तो ऑन होके जिसका है उसको मिल ही जाएगा। और बट टेंशन आप अपने कैरियर के ज़रूर लेना, और टेंशन लेना कि आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। थैंक यू, आपको मज़ा आएगा देखने में और आपको पता चलेगा कि सस्ता सस्ता ही होता है, और जो स्टेबल होता है वो ही गारंटी दे सकता है और वही सिखा सकता है। और एक टाइम फीस दूंगा, ज़िंदगी बनाऊंगा, सस्ते के चक्कर में रोऊंगा नहीं, ये बात आपको सीखना है। अगर आप मोबाइल तकनीशियन हो और आईसी चिप लेवल का काम नहीं कर पा रहे हो और आप सीपीयू ईएमएमसी पर काम करना चाहते हो, तो आज ही कॉल करें एडमिशन के लिए। हम आपको देंगे गारंटी वर्क, 3 दिन में पावर आईसी और 4th दिन में सीपीयू करवा देंगे। हम देंगे आईसी पैड लाइन की जानकारी, यहाँ हॉस्टल में इसकी सुविधा फ्री है। हम बनाएंगे आपको तकनीशियन से टीचर, ये आपसे वादा है। इंस्टीट्यूट में सबसे बेस्ट क्यों है, हमारे यहाँ स्टूडेंट को मिलते हैं 12 घंटे में 7 घंटे सिर्फ प्रैक्टिकल और बाकी थ्योरी क्लास। यहाँ स्टूडेंट से काम करवाया जाता है, ना कि फ़ोन टीचर से फ़ोन रिपेयर करके सिर्फ दिखाया जाता है। यहाँ बेसिक से एडवांस। अगर आप मोबाइल तकनीशियन हो और आईसी चिप लेवल का काम नहीं कर पा रहे हो